गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, रिजल्ट इन द सेंस ऑफ स्कोर कार्ड आप लोगों का आ चुका है, मार्क्स आप देख रहे हैं, नियर अबाउट अंदाज़ा रह रहा होगा। जिन लोगों का एक दो मार्क्स से रह रहा होगा तो उन लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। इट्स ओके, कट ऑफ जो भी जाएगी अच्छा जाएगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो मतलब डिसअपॉइंट भी नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है तो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि भाई आप JRF के लिए एक बार 6 months और प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बनाया था, बताया था कि JRF इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपको एक अलग ही स्टेटस प्रोवाइड करता है अगर आप JRF क्वालिफाइड होते हो तो। ठीक है, तो JRF के लिए प्रिपेयर करेंगे और एक मार्क्स से रह गया नेट के लिए, तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है कि हमें अच्छा हुआ नहीं हुआ क्योंकि मेरा JRF होना लिखा था नेट से, इट्स नॉट ओके। ठीक है, तो अच्छा है नेक्स्ट टाइम JRF ही होगा सीधा। ठीक है, तो इतना डिसअपॉइंट मत हो, न्यू ईयर इज कमिंग, नया साल है, नई शुरुआत करनी है विद द डिफरेंट चैप्टर ऑफ लाइफ। ठीक है, अपना नया स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट हो रहा है, हमने नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट की थी, फॉस्फोजन्स हमने कर लिए थे, 3 मैंने बताया था कि इसकी क्लासेस और आनी हैं। ठीक है, तो वो आएंगी, तो आज की क्लास से 3 क्लास, मतलब आज और फिर उसके बाद 2 और क्लासेस। ठीक है, अब हम करेंगे फॉस्फोरस। देखो, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फॉस्फोरस में से आता है? 4 मेन टॉपिक आते हैं, एक तो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड्स और लास्ट आता है ऑक्सो कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ये चारों हम लोग करेंगे, तो आज हम ये 3 मेन पार्ट करेंगे, फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड्स, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस एंड एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। इसी में से मे बी नेट 2015 या में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आ जाता है एलोट्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ना है, इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करनी है पेपर के टाइम पे। ठीक है, देखो जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, देखो तेरा मेन 4 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस, एक होता है हमारा व्हाइट, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ठीक है, व्हाइट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी जो यूनिट होती है सिर्फ P4, मतलब सिर्फ फॉस्फोरस 4 एक दूसरे से बाइंड होते हैं, वो एक यूनिट, जो कि ये मेरा डायग्राम है, इसको याद करना है। ठीक है, P4 यूनिट होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव क्यों है सोचो, देखो हमारे ये पूरे बॉन्ड्स बने हुए हैं, एंगल है 60 डिग्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर एंगल 60 डिग्री होता है और जबकि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनती है, वो है पिरामिडल, तो पिरामिडल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री एंगल तो काफ़ी स्ट्रेन देगा उसको, भी बड़ा होगा तो स्ट्रेन कम होगा, तो 60 डिग्री एंगल है, पिरामिडल शेप है, तो ऑब्वियस स्ट्रेन है मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर स्ट्रेन है तो ऑब्वियस ही बात है वो स्ट्रेन को लूज करना चाहेगा, तो इसलिए इट इज़ वेरी रिएक्टिव। मतलब इन तीनों में, व्हाइट रेड एंड ब्लैक से अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव। अगर ये मोस्ट रिएक्टिव है मतलब लीस्ट स्टेबल है, क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। और रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि एंगल है हमारा 60 डिग्री, जिसकी वजह से स्ट्रेन है, एंड इट वॉन्ट टू लूज द स्ट्रेन, सो इस इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक और देखो, ये फॉस्फोरस, ये भी फॉस्फोरस, सेम एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एक जैसी है, तो कोई भी इसमें पोलैरिटी तो आएगी नहीं। पोलैरिटी कहाँ आती है, एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, तो उसमें बॉन्ड में क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अब इसमें ये भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्टिविटी सेम है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। और अगर ये नॉन पोलर है तो याद कर लो, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में ही सॉल्व होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जो भी, अब नॉन पोलर याद रखो, बेंजीन होता है, CH2 होता है, टॉल्विन होता है, CCl4 होता है, इनमें से कोई भी आ जाए इनमें ये डिजॉल्व होता है। और पोलर कंपाउंड जैसे वाटर हो गया, एथेनॉल हो गया, इनमें डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसमें से आता है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हमारा वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसकी शेप क्या है, पिरामिडल है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये मत करना कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनने लग जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जैसे कि सिंगल फॉस्फोरस है वो कितने एटम्स के साथ ज्वाइंट है, तो एक ये फॉस्फोरस से, एक ये फॉस्फोरस से, एक ये से, तो 1, 2, 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखो, हमारे को पता है फॉस्फोरस है, ठीक है, P4 यूनिट है,
फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5, ठीक है। फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, हमने ये करा है बोरेट्स की सेकेंड और थर्ड क्लास में, ये आइसोलोबल होगा किसके साथ? BH2 यूनिट के साथ। कैसे? बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 3, और एक हाइड्रोजन, एक तो दो हाइड्रोजन कितने करेंगे? 2, तो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं एक फॉस्फोरस की जगह एक BH2 लिख देती हूँ तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो और इसका फॉर्मूला क्या है? P4। तो मतलब अगर एक P BH2 के बराबर है तो P4 कितने के बराबर होगा? BH2 का 4 लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या हो जाएगा? B4H8, अपने ये लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मेरे को अगर निकालना हो, नोमेनक्लेचर करना हो कि ये कौन से टाइप का बोरोन है, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो, कौन सा है, तो क्या करते हैं हम कि जितने हमारे बोरोन होते हैं उतने हाइड्रोजन अंतर कर देते हैं। BH ये हो गया 4 प्लस, अब कितने हाइड्रोजन बच गए? 4H। एक BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन देती है? 2 इलेक्ट्रॉन देती है, तो 4 2 8 प्लस 4, 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें पेयर निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें पता है ये बी हमारे कितने थे? 4 यूनिट है, तो मतलब मेटल, मतलब एम, ये जो हम एन प्लस 1 करते थे, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बनाना कितना है? 6, तो कितना ऐड कर दो? 2 एन प्लस 2। तो हमने क्या करा था, हमने क्या ट्रिक की थी? कल नहीं है, क्लोजो नीडो, कल नहीं आना है, कल नहीं आना है, स्कूल नहीं आना है, कल नहीं आना है, क्लोजो एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3 एंड एन प्लस 4, तो हमारा है एन प्लस 2। तो इसी का दूसरा नाम होता है नीडो। तो ये भी पेपर में आ सकता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस का नॉमनक्लेचर नीडो है, तो वो कौन सा होता है? वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू वाइट फॉस्फोरस, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं रेड फॉस्फोरस। इसको जब वाइट फॉस्फोरस को आप हीट करोगे तो हमें मिलता है रेड फॉस्फोरस। पहला पॉइंट, व्हेन यू हीट व्हाइट फॉस्फोरस यू गेट रेड फॉस्फोरस। ये इसके कंपैरिजन में लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। व्हेन वी हीट व्हाइट फॉस्फोरस वी कैन गेट इट। सेकंड, ये क्या होते हैं? पॉलीमरिक होते हैं। पॉलीमरिक का मतलब है इसी की काफी यूनिट्स होती हैं। एक पीपी बॉन्ड होता है इनमें, ये वाला, सिर्फ ये वाला बॉन्ड नहीं होता है। तो ये एक बॉन्ड नहीं हुआ तो स्ट्रेन कुछ तो कम हो गया। जब स्ट्रेन इसके कंपैरिजन में कुछ कम हो गया, मतलब इससे तो ये कम रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बॉन्ड हटने से थोड़ी सी मॉलिक्यूल लूज हो गई। तो जब अगर मॉलिक्यूल लूज हो गई तो ऑब्वियस ही बात है उसका स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया, तो ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, मतलब मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द वाइट फॉस्फोरस, इससे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये तो मैंने ये वाली लाइन वही हो गई, कैन बी ऑब्टेन बाई हिटिंग वाइट फॉस्फोरस, सेंट्रल पीपी बॉन्ड इज नॉट देयर, जो सेंटर का पीपी बॉन्ड है वो नहीं है, ठीक है। थर्ड, अभी आप लिखते जाओ, ठीक है। थर्ड इज अ ब्लैक फॉस्फोरस। देखो जो ये ब्लैक फॉस्फोरस होता है, पहला पॉइंट इसका क्या है कि ये लेयर्ड फॉर्म में होता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है ग्रेफाइट की तरह, जैसे ग्रेफाइट में अपना लेयर्ड स्ट्रक्चर होता था ना, तो वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर लेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक लेयर बन गई, उसके नीचे एक लेयर बन गई, यहाँ पे सब पे फॉस्फोरस है, ये अपना सारे फॉस्फोरस है, और एक लेयर, जैसे ग्रेफाइट में क्या होता था, ये लेयर है, ये लेयर है, इनके बीच में कौन सी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी? इसी तरीके से इनमें क्या होती है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। पहला पॉइंट, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड, हैविंग वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस कौन है, तो आंसर आ जाएगा ब्लैक, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है दैट इट इज लाइक अ सेमीकंडक्टर। ये जो होता है सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये चार मेन पॉइंट्स थे ब्लैक फॉस्फोरस के, तो इतना ही करना है एलोट्रॉप्स पे। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो, देयर आर मेन 5 ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है P4O6। कैसे याद करना है देखो, लिखते रहो
P4O6, ठीक है, P4O7, P4O8, P4O9 एंड P4O10, ठीक। P4O6 का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इनके बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, वो अभी करेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारा P4O6 तो आपके सामने बना हुआ है, क्या करना है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में ओ बॉन्ड्स लगा देने हैं। एक पहले हम जैसे हम चेयर और बोट फॉर्म बनाते हैं अपना स्टीरियो केमिस्ट्री में, एक चेयर फॉर्म बना दो, PO, 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 ठीक है। एक फॉस्फोरस यहाँ लगा दो, इनके बीच में फॉस्फोरस 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 के बीच में ऑक्सीजन लगा दो, ये आ गया P4O6। एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, यहाँ 6 था, 7, 8, 9, 10 नंबर इंक्रीजेस, यहाँ पे नो पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। यहाँ देखो आपका, अगर हम फॉस्फोरस को ध्यान से देखें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, चाहे यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, पी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो P4O6 में P डबल बॉन्ड O बॉन्ड नहीं होता, जबकि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते रहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पे बोले 2 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ मूव किए 3, यहाँ मूव किए 4, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बढ़ेगा, पहली बात। और क्या क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि आपको ये दे देंगे, ऑक्साइड दे देंगे, आपको पूछेंगे नंबर ऑफ पी पी बॉन्ड्स बता दो, नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स बना दो, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बना दो। अगर मैं पी फोर ओ सिक्स की ही बात करूँ तो नंबर ऑफ पी पी बॉन्ड्स क्या है, पी पी के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है, 0। नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड, देखो पी ओ पी पूरा, तो ये पूरा हो गया 1, ये पूरा हो गया 2, ये पूरा हो गया 3, ये पूरा हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स कितने हो गए हमारे, 6। तो ये तो हो गया 6। अब आते पी डबल बॉन्ड ओ, किसी में नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब जो ऐसे ही आप एक एक का स्ट्रक्चर करेंगे, मैं अभी और तरीका बताती हूँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है P4O10 का, कैसे ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, ठीक है। फिर इनके बीच में एक पी ओ पी बॉन्ड, एक इनके बीच में पी ओ पी बॉन्ड, ठीक है। पी फोर, अब ओ कितने, 6 हैं। अभी हमारे को क्योंकि 10 करने हैं, 4 ओ लगाने हैं, मैंने कहा था जैसे जैसे बढ़ेंगे पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे 4 पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बनाने हैं। ये बना दिया, ये बना दिया, ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा P4O10 का। इसी तरीके से इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ एक बॉन्ड हटा देंगे, 3 लग गए, ठीक है। औरों में 2 कर दिया, अब में 1 कर दिया। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें अगर पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड पूछेंगे 4, पी ओ पी बॉन्ड्स कितने हैं, पी ओ पी बॉन्ड 6 जैसे बॉन्ड, पी पी बॉन्ड्स कितने हैं, 0, ठीक है। तो पी पी कितने हैं, 0, पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स कितने हैं, 4, और पी ओ पी बॉन्ड्स कितने हैं, 6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आता है कि ये मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन दे देंगे कि P4O10 की अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करानी होगी तो कितने मोल ऑफ वाटर चाहिए। तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हम अभी इसमें तो अच्छे से हाइड्रोलिसिस करते आ रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर वाटर का अटैक करा दो तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है एस्टर क्या होता है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, अगर मुझे इस पर हाइड्रोलिसिस करानी होगी तो कैसे कराऊंगी मैं, वाटर मॉलिक्यूल आया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, नेगेटिव होगा, ये फिर वही वापस आएगा क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज करना है और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये तो इस तरह की हाइड्रोलिसिस होगी। इसी तरीके से इसमें होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, क्या होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, जैसे ये जो पूरा हो गया ना अपना, ये हो गया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड ओ पी, ये क्या हो गया फॉस्फोईस्टर, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है ना ये, इसी तरह पी डबल बॉन्ड ओ, ये इसे बोलते हैं हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड।
इसे बोलते हैं हम फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, लिख लो इसे फॉस। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अब क्वेश्चन करा रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है कि हमें कितने मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो अब वो करते हैं, उसका मैकेनिज्म करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करना है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये यहाँ पे ऐसे 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 जो जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे तो मेरा बन गया O नेगेटिव, यहाँ पे OH2 क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मेरा O बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जो जैसा था इनके बीच में थे O बॉन्ड्स वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O है ना ये, ठीक है। ये तो वैसे के वैसे रहना, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे अभी भी एच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला बॉन्ड टूट गया है तो इस पी पे डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ठीक है। और ये पी वैसे के वैसे हैं, ये जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस पे डबल बॉन्ड ओ है, इस पे डबल बॉन्ड ओ है और इनके बीच में ये ओ बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, ठीक है। ओ नेगेटिव आ गया, हमें पता है आप कोई भी स्पीसीज है अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। यहाँ से एज एच पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ से जब H पॉजिटिव निकलेगा वो यहाँ जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बन जाएगा OH। तो क्या बन जाएगा, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल डाला तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक OH क्रिएट हो गया, एक यहाँ पे OH क्रिएट हो गया, समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पे फॉस्फोइस्टर लिंकेज है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी देखो अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ का वाटर बिल्कुल वही स्टेप करना है इसी के ऊपर, तो यहाँ पे भी OH क्रिएट हो जाएगा। ये ऐसी स्पीसीज बन जाएगी, मतलब ये भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक OH, ये O, ये P, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे O, यहाँ पे P, ये डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे O, यहाँ पे O। कोई मुश्किल नहीं है, खुद करके देखो कि बहुत आसान लगेगा। जैसा ये किया है वैसे ही ये वाला बॉन्ड भी, इधर वाला ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी OH लग जाएगा और यहाँ पे भी OH लग जाएगा, ठीक है। अब अभी भी फॉस्फोइस्टर लिंकेज है सी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो अब फिर हम एक वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे। जब एक वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसी के ऊपर डाला, तो क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ओ एच हो गया, ठीक है, ये ओ पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, ये तो वैसे के वैसे ही रहने हैं सबके सब, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी, यहाँ पे ओ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ओ एच और OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये अच्छा क्या कहते हैं लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से एक H निकलेगा और इसके साथ लग जाएगा। मतलब जो एक स्टेप ये समझ गया उसके बाद ये इसके लिए बहुत आसान होगा। तो इसमें क्या होगा, अब ये यहाँ से टूट जाएगा, अगर ये टूट जाएगा तो ये रिंग पूरी ओपन हो जाएगी, है ना। तो ये कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, अब इसी पे करवाते हैं। अगर मैं ये बॉन्ड हमारा टूट गया, यहाँ पे मेरा OH बन गया, ये रिंग हो गई ओपन, तो ये कैसे हो जाएगा, पी यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ये मेरा जो ये वाला पार्ट है, O P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, इसके साथ ये O P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ठीक है, फिर इस P के साथ ये O P
पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, इसका जो ये ओ एच है वो आ गया। मतलब जब इस पे वाटर मॉलिक्यूल लगेगा तो ये मेरी रिंग यहाँ से ब्रेक कर जाएगी। देखो रिंग ब्रेक कर गई, मतलब रिंग मेरी टूट गई। अब इसको खोल के लिखोगे तो ये इस तरीके से लिख ली जाएगी। अभी भी इसमें फोर्स्ड ईस्टर लिंकेज है, यहाँ वाले तो चलो पूरे हो गए, अब ये वाले भी तो लिंकेज है, सेम फिर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, देखो अब कितने एक तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, थ्री यूज हो चुके हैं। अब मैंने एक और डाला, फिर आएगा इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये स्पीशीज अलग हो जाएगी। इसी तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इस पे अटैक करेगा, वापस जाएगा यहाँ से टूट जाएगा। इसी तरह इस पे अटैक करेगा, वापस जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लग गए टोटल? ध्यान से करोगे, एक बार टफ लग रहा होगा पर एक बार और कर लोगे, ध्यान से वीडियो को देख लोगे, बहुत आराम से समझ आएगा। ये स्टेप जिसको समझ आ गया वही स्टेप को यहां तक दोहराना है। तो यहां पे थ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, यहां पे 1 2 3, तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज हुए 8P4O10 के लिए? टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6, तो आंसर आ जाएगा 6। गेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखना, थर्ड टाइम देखना, फोर्थ टाइम देखना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस कि कितने मोल ऑफ वाटर यूज होते हैं। 6 मोल ऑफ वाटर यूज होते हैं P4O10 के लिए। तो कोई भी स्पीसीज आए, डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे, जितने फॉस्फोइस से लिंकेज है उनको ब्रेक करोगे। एक बार अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराऊं तो कैसे करेंगे, देखो फिर से देख लो। ये था मेरा मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल आया, ओ नेगेटिव हुआ, ठीक है, OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये यहाँ पे वापस जाएगा, ये लिंकेज ब्रेक हो गई यहाँ से। जब ये ब्रेक हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, ये मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया था। अब जब इस पर डबल बॉन्ड आ गया, हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया था, ये H है, ये पॉजिटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से अपना H देगा, ये H ले लेगा, OH बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ वाटर लगेगा, ये टूटेगा, यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, ये पूरी स्पीशीज बन जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, इस पे अटैक कराया था, इस पे जब अटैक कराया वापस आया, ये लिंकेज ब्रेक करेगी। जब ये लिंकेज ब्रेक करेगी जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया, तो आपकी एक ओपन चेन बन जाएगी इस तरीके की। तो जब ओपन चेन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, तो तीन वाटर मॉलिक्यूल और 3 तो हमारे यहाँ यूज हो गए, 3 मेरे यहाँ पे हो गए, टोटल 6 मोल ऑफ वाटर यूज हुए। और बनेगा क्या देखो, अब जैसे ये मेरा ब्रेक हो गया, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस यहाँ पे होगा, तो ये OH बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, H3PO4 का, H3PO4। और ये कितने ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे, 1 2 3 4, तो इससे हमें 4 H3PO4 कितने फॉस्फोरिक एसिड मिलेंगे, 4 फॉस्फोरिक एसिड मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब हम करते हैं फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड्स। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड्स। देखो कैसे, जैसे वैसे हमने ऑक्साइड्स किए थे ना, वैसे इसको भी याद करना है, P4S3, P4S4, P4S5, P4S6 and P4S7, ठीक है। जो इसी के बाद आता है 9 and 10, P4S9 and P4S10, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो लाइनें लिखो सबसे पहले कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस नोट करो क्या क्या आते हैं। एक P31NMR से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप के P31NMR से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप के फॉस्फोरस हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि एक चीज़ है कि P4S3 से लेके P4S7 तक एक पीपी बॉन्ड होना मस्ट है, एक पीपी बॉन्ड होना मस्ट है, और P4S9 और P4S10 में नो पीपी बॉन्ड, ठीक है, ये लाइनें लिखेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप करवाती हूँ, इसका स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे, यहाँ आपने पी किया, यहाँ पी किया, सब एक जैसे बनेंगे, यहाँ पे पी किया सब में, आप यहाँ जैसे यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ एस बना दो सबके बीच में, ये एस बन गया,
इनके बीच में एस बन गया। एक पीपी बॉन्ड तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हो सकते हैं पर वन इज मस्ट, ठीक है। अब इसमें एस कितने, थ्री, वन यहां लगा दिया, वन यहां लगा दिया, एक मैंने यहां लगा दिया, बाकी के क्या हो गए, पीपी बॉन्ड्स हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ पी फोर एस थ्री में कितने पी एस पी बॉन्ड्स है, कितने पी पी बॉन्ड्स है और कितने ई एस बॉन्ड्स हैं। तो पहला पी एस पी बॉन्ड, पी पी बॉन्ड एंड पी एस बॉन्ड। देखो पी एस बॉन्ड कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो पी एस बॉन्ड्स हो गए सिक्स। पी पी बॉन्ड्स, ये पूरा पी पी बॉन्ड, ये पूरा पी पी बॉन्ड, ये पूरा पी पी बॉन्ड, थ्री। पी एस पी, पी एस पी, पी एस पी, पी एस पी इज इक्वल टू थ्री। समझ में आ रही। अब पी फोर एस फोर, थ्री तो हो ही गए, एक एस यहाँ लगा दो, फाइव में एक एस यहाँ लगा दो, कर लेते हैं। यहाँ पैर कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, एक एस यहाँ लगा देंगे, एक एस यहाँ पे लगा देंगे, एक एस इनके बीच में लगा देंगे, एक पी पी बॉन्ड, सॉरी ये ऐसे कर लो, यहाँ पे कर दो एस, और एक पी पी बॉन्ड तो जरूर है। अब एक एस हमारा बढ़ गया तो यहाँ लगा दो, ये पी पी बॉन्ड हो गया। यहाँ पे एक और एस बढ़ गया, वो यहाँ पे लग जाएगा, पी 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 बॉन्ड एक मस्ट है, पी एस पी, पी एस पी एस, यहाँ पे P, यहाँ पे वी हैव P, पर यहाँ पे एक S पहले ही आ चुका था, यहाँ एक और लगा लेंगे और एक ये, ठीक है ना। तो P, वन टू थ्री फोर, फोर S, 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 तो एक पी पी बॉन्ड होना ज़रूरी है टिल पी फोर एस सेवन, ठीक है। नेक्स्ट पी एस पी बॉन्ड, पी पी बॉन्ड, पी एस बॉन्ड, ये सब आप इसके कर लोगे। अगर हम पी फोर एस सिक्स की बात करें और पी फोर एस सेवन की भी बात करें तो सेम ऐसा होता है, बस पी डबल बॉन्ड एस लगने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है, पी डबल बॉन्ड एस, क्योंकि एक एस यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ भी ऐसा चुका, यहाँ भी आ चुका, यहाँ भी आ चुका, यहाँ भी आ चुका, यहाँ आ चुका, अब कहाँ जाएगा, तो कैसे ड्रॉ करोगे, पी 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 पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, एक दो बार पढ़ोगे बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। एक पी पी बॉन्ड होना ज़रूरी है, ये हो गया पी एस, ठीक है। ये तो फाइव जैसा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड एस। सेवन में क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे डबल बॉन्ड एस, तो ये बन जाएगा पी फोर एस सेवन का। अब इंपॉर्टेंट आता है पी फोर एस नाइन, पी फोर एस टेन, इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चेंज होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है किसकी तरह, जैसे हमारा पी फोर ओ सिक्स का किया था, चेयर फॉर्म बनाया था, बिल्कुल वैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फॉस्फोरस लग जाता है, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे एक फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फर, देखो कितने फॉस्फोरस लगे, वन टू थ्री, तो एक फॉस्फोरस बाकी है, आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हर फॉस्फोरस और सल्फर के बीच में पी एस पी बॉन्ड बना दो, ये हो गया पी एस पी बॉन्ड। एक यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे लगा दो पी एस पी बॉन्ड, ठीक है। अब कितने सल्फर हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी भी कितने बचे हैं, थ्री, तो इन पे लगा दो डबल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड एस और डबल बॉन्ड एस, ठीक है। अब एक और बात, ये तो हो गया, अब टेन के लिए क्या करोगे, ये यहाँ पे लगा दोगे डबल बॉन्ड एस, तो ये हो जाएगा हमारा पी फोर एस नाइन, पी फोर एस टेन। कोई भी पी पी बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी पी पी बॉन्ड नहीं है। तो अगर काउंट करने के लिए आ गया, बता दो पी एस बॉन्ड कितने हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, इसके अंदर पी एस बॉन्ड कितने हो गए, सिक्सटीन। पी एस पी बॉन्ड करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पी एस पी बॉन्ड कितने हो गए हमारे, सिक्स, पी एस पी हो गए सिक्स, और पी एस बॉन्ड्स कितने हो गए थे हमारे, सिक्सटीन, ठीक है, ठीक है। और पी पी बॉन्ड्स कितने हैं, जीरो, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे फॉस्फोरस सल्फर कंपाउंड से।
अब हमने करने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और हाइड्राजीन और जो भी नाइट्रोजन के भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं, बस वो होते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।